हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी चौटाला ने कहा कि दगाबाजों और धोखेबाजों को पार्टी में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग टिकट के लालच में इनेलो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन नेताओं की हालत इन दिनों दयनीय है। टिकट के लालच में इनेलो छोड़कर गए नेताओं को बीजेपी में कोई सम्मान नहीं मिल रहा। वहीं ओपी चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 के चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वहीं ओपी चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी 2 अक्टूबर को प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, जिसमें 33% पार्टी की टिकट महिलाओं को दी जाएगी। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। Thank you.